स्किजोफ्रेनिया का सही इलाज क्या है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। स्किजोफ्रेनिया, आपको पता है कि स्किजोफ्रेनिया यह एक क्रॉनिक मेंटल बीमारी है, इसको मन का कैंसर भी कहा जाता है, और इसमें मेनली थॉट डिसऑर्डर्स एंड परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब लक्षण होते हैं, और काफी कॉमन है। मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा पाया जाता है कि भाई 100 में से एक व्यक्ति को ये बीमारी कोई भी समय पे हो सकती है। तो स्किजोफ्रेनिया जब होता है तो उसका इलाज क्या है? देखिए, यदि आपको कोई पेशेंट में, कोई व्यक्ति में आपके घर के कुछ ना कुछ ऐसा एबनॉर्मल दिख रहा है, जैसा विड्रॉन है, इससे बात नहीं कर रहा आजकल, चुपचाप बैठ रहा है, उसकी भावना जो है वो फ्लैट हो गई, भावना ऊपर नीचे नहीं हो रही है, या कोई काम में मजा नहीं आ रहा है उसको, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, फिर धीरे धीरे थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है, या कुछ बोलता है कि लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लोग मेरे को दिख रहे हैं, ऐसा मतलब डरा हुआ है, तो ऐसे कुछ डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशन शुरुआत जब होती है तब तुरंत डॉक्टर के पास में लेके जाना जरूरी है। मगर लोग कुछ नहीं हुआ, चलता है, ज़्यादा विचार मत करो, ऐसा करके बहुत टाइम गंवाते रहते, इसमें गंवाना नहीं चाहिए। इसका करेक्ट इलाज जो है वो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। देखिए, ये पक्का पता चला है कि डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, इनकी लेवल ज़्यादा होने से स्किजोफ्रेनिया होता है। तो फिर हमारे पास में दवाइयाँ हैं कि जो दवाई उनकी लेवल कम करेगी और स्किजोफ्रेनिया को अच्छा करेगी। फिर दवाई क्यों देना नहीं है? दवाई जल्दी चालू करना है अप्रोप्रिएट डोज में, और रिलेटिव्स को शांति रखनी है। देखो, दवाई का इलाज मतलब दवाई चालू करने के बाद में तुरंत नींद अच्छी आ जाएगी, वायलेंस कम हो जाएगा, मगर पूरा अंदर से जड़ से निकालना है, थॉट डिसऑर्डर ठीक करने का टाइम लगेगा। सो हो सकता है कि 3 से 4 हफ्ते लगेंगे अच्छा फायदा दिखने के लिए, और बाद में कम से कम 1 साल, मिनिमम 1 साल या 1 से 3 साल तक भी यह दवाई देना जरूरी है। लोग दवाई बंद कर डालते हैं और फिर रिलैप्स हो जाता है, फिर दवाई चालू करते हैं, फिर बंद करते हैं। इससे अच्छा बेटर यह है कि आप दवाई चालू रखो, पूरा इलाज करो, समझो दवाई से फायदा नहीं हो रहा है, शॉक ट्रीटमेंट देंगे, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी है वो दे सकते हैं, और उससे भी लोगों को फायदा होता है। इसके साथ साथ सपोर्टिव साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, कैसा बर्ताव करना पेशेंट के साथ में, पेशेंट को हम हिप्नोथेरेपी देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, ताकि उसमें फ़ायदा हो सके। देखो, एंटीसाइकोटिक के साइड इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल उसके लिए डरने का नहीं है। जो भी साइड इफेक्ट हो रहा है उसको नील करने के लिए भी दवाई है। जैसा समझे हाथ कांप रहे दवाई से, तो उसको भी ठीक कर सकते दूसरी दवाई देके। और साइड इफेक्ट्स टेम्पररी है, साइड इफेक्ट आते करके दवा लेना नहीं है बिल्कुल सही नहीं है। इसमें दो प्रॉब्लम आते, एक तो पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, वो लेने को तैयार नहीं है, या रिलेटिव्स तैयार नहीं है दवाई लेने को। अब पेशेंट तैयार नहीं है तो आप उनको लॉन्ग एक्टिंग एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं, कि जो इंजेक्शन, एक इंजेक्शन उसको दे दिया, उसका असर 1 महीना चलता है, मतलब एक ही इंजेक्शन फिर महीना भर देखने की जरूरत है नहीं। तो रिलेटिव्स ने भी देखना है कि भाई ठीक है, उनकी इच्छा है, मगर पेशेंट नहीं ले रहा है, तो हम ऐसी कोई दवाइयाँ हैं कि जो दवाई बिना पेशेंट को बोले हम उसको दे सकते हैं, तो फिर वो भी दवाई थोड़ी सी देना, जो हमको मालूम है कि वो डायग्नोस्ड पेशेंट है, पैरानॉइड है, और उसको देना जरूरी है दवाई, तो उसको हम अनाज में मिला के या और भी कोई लिक्विड में मिला के उसको दवा दे सकते हैं, जिससे वो नॉर्मल रह सकता है। मेरे पास में ऐसे काफ़ी लोग हैं कि जिनकी पत्नी मेरे पास में आती है और उनके उनकी कंप्लेन ये रहती है कि उनके हस्बैंड को शक है कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो इसका कुछ तो भी है। वो एंटीसाइकोटिक दवाई उनको देती है, जब तक एंटीसाइकोटिक दवाई चालू है तब तक वो अच्छे है, दवाई बंद है प्रॉब्लम आ जाता है। मैं बोलता हूँ कि आप पूरा इलाज करो, पूरा इलाज करते नहीं है, थोड़ा सा इलाज करते बाद में बंद कर डालते। स्पेसिफिकली एंटीसाइकोटिक दवाई इतनी अच्छी दवाई है कि आप डिल्यूजन्स जो आते हैं ना स्किजोफ्रेनिया में, डिल्यूजन्स के लिए आप दवा दे तो डिल्यूजन ही गायब हो जाते हैं। नई नई दवाई निकली हुई है, तो दवाई से डरने का नहीं है, साइड इफेक्ट से डरने का नहीं है, दवाई देने का है और अपने पेशेंट को ठीक करने का है। हमारे यहाँ आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, मैं वीडियो कॉलिंग करके कंसल्टेशन करता हूँ। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल रिश्तेदारों के साथ में हम भर्ती करते हैं पेशेंट को, उसका इलाज करते हैं। दूसरा हॉस्पिटल है कि रिश्ता रहने को तैयार नहीं है, वो छोड़ देते हैं हमारे यहाँ पेशेंट को, हम उनका इलाज करते हैं, बाद में उनको इन्फॉर्म करके पेशेंट को लेके जाते हैं या हम भेज देते हैं। हमारे यहाँ वैसे मंदबुद्धि के पेशेंट है, जो घर में रखना मुश्किल है, बूढ़े लोगों की मानसिक बीमारी है, घर में रहना मुश्किल है, या जो बहुत वायलेंट हो जाते हैं, आक्रामक है, हिंसक हो जाते हैं, उनको भी हम बिना रिश्तेदार पेशेंट को भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। हमारा मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आप हमारे पार्टनर बन जाएगा। यह जो ट्रीटमेंट है स्किजोफ्रेनिया की, इसमें कम से कम जैसा मैंने बताया 1 साल तभी कम से कम देना है। एक बार ऐसा हो गया कि नहीं, ये बार बार रिलैप्स हो रहा है, क्रॉनिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ज़्यादा साल,
तो ज्यादा साल भी दवा दे दो। कुछ दवाइयाँ जो है जिसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, अभी नई नई दवाई निकली कि जिसका साइड इफेक्ट ही नहीं है, वो दवाई आप दे सकते हैं। जैसे एरिपिप्रासोल है, साइड इफेक्ट बहुत ही कम है या नहीं बराबर के है। क्यूटियापिन है, यदि आप दवाई दे सकते हैं कि जिसका एकदम साइड इफेक्ट कम है, एमिसल्प्राइड है, वो दे सकते हैं ताकि पेशेंट मेंटेन रहेगा। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।